हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय इकनॉमिक्स बायशान इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ़ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स आज हम नेक्स्ट एयर ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे सो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मेरी यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं वी स्टार्टड फ्राम टू थाउजेंड दिसंबर का क्वेश्चन पेपर किया सो तीन क्वेश्चन पेपर आर ऑलरेडी डन सो सो दैट इफ़ यू डोंट मिस दीज वीडियोस आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो ठीक है सो so, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन करते हैं सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट सो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है इफ अ फॉरन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन बैंक इन इंडिया द अकाउंट रिलेट दिस एज अ क्रेडिट सही है कि अगर फॉरेन सिटीजन ने डिपॉजिट किया कुछ मनी बैंक ऑफ जो इंडिया का बैंक है उसमें किया तो उस अकाउंट का क्रेडिट मतलब हमारे इंडिया में वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा क्रेडिट हुआ ना पैसा बट नॉट करेक्ट की बात करिए ये चीज़ तो करेक्ट है कौन सा नहीं है वो देखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस शोज़ ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड इसमें बोला करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सिर्फ बैलेंस दिखाता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ये ट्रेड इन ट्रांसफर्स रेमिटेंसेज सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ना केवल गुड्स और सर्विसेज अदर थिंग्स आर ऑल्सोडेड इंक्लूडेड सो नॉट करेक्ट जो है वो ये है ये तो करेक्ट था ठीक है नॉट करेक्ट पूछा हमारे से कि इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉट करेक्ट कौन सा है सो सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस दैक्सट क्वेश्चन इज लेट द इलास्टिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फॉर अ सर्टन कंट्री बी ई एक्स एक्सपोर्ट कुछ भी कंट्री uh, में फॉर अ सर्टन कंट्री उसको ई एक्स बोल दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट ई एम बोल दिए अज्यूम द कंट्री डी वैल्यूज इट्स करेंसी की कंट्री जो है वो डी वैल्यू करिए अपनी करेंसी इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट विल almost certainly शो एन इम्प्रूवमेंट इफ वो इम्प्रूवमेंट कब शो करेगी जब हमारा ई एक्स और ई एम मतलब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सम ग्रेटर देन वन होगा इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो सम है वो लेस देन वन होगा इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सम इक्वल टू वन होगा इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इक्वल टू वन होगे सो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि क्या होता है ये सो so, जो इम्प्रूवमेंट है तभी होगी जब देर इज़ जो सम है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का वो ग्रेटर देन जीरो है इसको हम मार्शल लर्नर कंडीशन भी बोलते हैं ये आप मेरी आ, एक सीरीज़ है मतलब प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में उसमें मैंने आपको सिखाया भी अब वट इज़ मार्शल लर्नर कंडीशन से आपको समझ में आ ही गया होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन वन देन इट्स मार्शल लर्नर कंडीशन ठीक है सो इसे हम मार्शा कंडीशन भी बोलते हैं यू कैन नोट इट डाउन समवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट यू एस डॉलर अदर थिंग्स थिंगस इक्वल मतलब हमारी कंट्री का जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करे अगेंस्ट यू ए डॉलर तो अदर थिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं तो क्या होगा राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया बिल्कुल गलत है फॉल इन द इकम इन यू एस ये बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि अगर डेप्रीशिएट हो रही है हमारी करेंसी मतलब लोगों की अगर इनकम यू एस में कम हो रही है मतलब उनकी परचेजिंग पार भी कम हो रही है ठीक है परचेजिंग पार कम हो रही है मतलब वो इंडिया के इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं खरीदेंगे ठीक है उसके इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं खरीदेंगे वो कम कर देंगे उसको उससे क्या होगा हमारी डिमांड कम होगी इंडियन गुड्स की डिमांड कम होगी उससे क्या होगा डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगा रुपी इंडिय, इंडियन रुपीस का ठीक है सो सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोर्चेंट लिस्ट ट्रेड इज़ अ ट्रेड क्या ज़ीरो सम गेम ये कई बार पढ़ते हैं हम इट्स नॉट अ पॉजिटिव सम गेम नहीं होता इन्फोनाइट सम गेम भी नहीं होता नेगेटिव सम गेम भी नहीं होता जीरो सम गेम होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन देर इज़ एन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन वन कंट्री फेसेस कंट्री इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी प्रोडक्शन के अंदर जब कंट्री क्या फेस कर रही है कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तब कंट्री जो है वो इनकम्प्लीटेश स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन फेस करेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टैक्स बेउन्सी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सो ई बी टी वाई जो हमारा बियनसी हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं चेंज इन टैक्स बियनसी डिवाइड बाय चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय टैक्स बियनसी दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो in so, और इसमें आप देख सकते हैं कि ई टी वाई क्या स्टैंड करता है जो बियनसी है टैक्स रिवेन्यू की टू इनकम टी बी जो है वो टोटल टैक्स रेवेन्यू है ठीक है चेंज इन टी बी इज बेसिकली चेंज इन टैक्स टोटल टैक्स रिवेन्यू और वाई जो है वो इनकम है सो चेंज इन इनकम सो ये जो टी बी है दैट इज़ बिय जो कि टैक्स रिवेन्यू की है टू इनकम ठीक है सो टू इनकम टैक्स बियसी टू इनकम ठीक है सो so, आपको इसी से समझ में आ गया होगा इन टू इनकम बाय हमारा चेंज इन टैक्स बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है सो इनकम टैक्स जनरली कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल नहीं विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल नहीं इनकम टैक्स जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जिसकी कितनी एबिलिटी है अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो उनकी एबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी तो उनसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा तो इनकम टैक्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मेथड कैन हेल्प इन ऑप्टेनिंग वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इफ़ एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट कौन सा मेथड जो है वो हेल्प करते हैं ऑप्टेनिंग वेलफेयर ऑफ इम्प्रूवमेंट किससे वेलफेयर इम्प्रूवमेंट होती है अगर एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करती है क्या वो रेगुलेशंस हैं असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमिटिंग हमारी बागेनिंग क्या ये है पिगुवियन टैक्स तीनों जो है दीज आर करेक्ट सो ऑल ऑफ द बव जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन रेगुलेशन से भी वेलफेयर इंप्रूव होगा अगर एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करती है अगर प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी राइट्स असाइन हो जाएंगे और पॉमटिंग बार्गेनिंग हो जाएगी वो प्रॉपरली अगर असाइन हो जाता है तो एक्सटर्नैलिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वेलफेयर इंप्रूवमेंट हो जाएगी और पिगूव टैक्स हमने काफ़ी बार पढ़ा है सो ऑल द थ्री मेथड्स जो हैं दे हेल्प इन ऑब्टेनिंग वेलफेयर इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट इन गवर्नमेंट बजट कौन सा जो है वो कैपिटल रिसीट है इन गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट के अंदर कौन सा कैपिटल रिसीट है इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन गिवन बाई गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन जो कि कौन दे रहा है गिवन बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट दे रही है टू अदर पार्टीज़ सो ये तो रिवेन्यू रिसीट हो जाएगा ठीक है इंटरेस्ट रिसीट लोन के ऊपर गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज़ दूसरी को दे रही है ठीक है सो दिस तो ये तो नहीं है कैबल रिसीट डिविडेंट एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ये भी नहीं है बोर्विंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक बोरविंग्स मिल रही हैं ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक से मिल रही है बोरिंग सो दैट इज़ अ कैपिटल रिसीट ये जो है दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नालिटी कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इन मिट्टीगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नैलिटी के इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी है इज इट हमारी फ़िजिकल पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली फ्री द मार्केट की एक्टिव मॉनट्री पॉलिसी सो so इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ फिजिकल पॉलिसी जो है वो बेस्ट है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर हमें मिटिगेट करने है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नालिटी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो कब अचीव होती है जब हमारा टोटल सोशल सेक्रीफाइस टोटल सोशल बेनिफिट के बराबर होता है नहीं जब मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस जो है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर होता है बिल्कुल सही है ये सो सो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तब होगा जब सोशल सैक्रिफाइस जो मार्जिनल सोशल है मतलब एडिशनल सोशल सैक्रिफाइस जो है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है देन इट इज़ अ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज स्टैटडरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो किसके साथ डील करता है अ पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स अमाउंट ऑफ़ रिवेन्यू लेफ्ट ओवर अदर टैक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्सेज पेड बाई पेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इंफ्लेशन की फोर्थ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू जेनरेटेड आफ्टर टैक्सेज लिवीट सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द पर्सनस लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स ट्रैटरी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स डील करता है विद अ पर्सन जो कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग द टैक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप डिस्क्राइब बाय द एक्सपेक्टेशन ऑर्गूमेंटेड फिलिप्स कर्व जो है वो करेक्ट होता है किस में क्या वो लॉन्ग रन में करेक्ट होता है शॉर्ट रन में होता है कि दोनों लॉन्ग रन शॉर्ट रन में होता है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में ही नहीं होता सो so जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ इन द लॉन्ग रन जो है एक्सपेक्ट टेड एक्सपेक्टेशन uh, हमारी जो ऑर्गूमेंटेड फ़िलिप्स कर्फ की होती हैं दैट इज़ करेक्ट उसका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ करेक्ट इन लॉन्ग रन नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन एक्सिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ़ॉर विच चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ जीरो अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच मेक्स द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो की अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ़ॉर विच द चेंज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जीरो कि फोर्थ ऑप्शन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसके लिए चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो जीरो है दैट इज़ कॉल्ड नीरू मतलब नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्डी फिफ्थ क्वेश्चन न्यू कीन्स यूज विच ऑफ the following to explain the price and the wage stickiness कौन सी जो कीन्स की है वो यूज न्यू न्यू कीन्स क्या यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस और इन्फ्लेशन स्टिकीनेस को सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द बब स्टागर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं इसमें प्राइस और वेज स्टिकीनेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेन्यू कॉस्ट भी यूज़ करते हैं और जो हमारा बिहेवरल बे बिहेवियर बेस्ड बाउंड राशनैलिटी है उसे भी यूज़ करते हैं सो ऑल ऑफ द व इज़ अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सिक्स क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट इज़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विच अकर वेन परचेजर्स आर कंस्ट्रेंड इन डिफरेंट मार्केट की जो इफेक्टिव डिमांड है मार्केट के अंदर इज बेसिकली डिमांड उन चीज़ों की गुड्स और सर्विसेज की जो अकर होती है जब परचेजर जो है वो कंस्ट्रेंड होता है बाय डिफरेंट मार्केट्स ठीक है और बी जो है वो नोशनल डिमांड इज द डिमांड दैट अकर वो तब अकर होता है जब परचेजर आर नॉट कंस्ट्रेंड इन एनी मार्केट वो कंस्ट्रेंड नहीं होता किसी भी मार्केट के अंदर सो so इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बोथ ए एंड बी जो है दे आर करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनमी जो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव uh, है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का इज़ टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या एक्सप्लेन करना बिजनेस साइकिल फिनमिना की अंडर एम्प्लॉयमेंट वेज प्राइस रिजिडिटी या इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी सो द करेक्ट आंसर इज बिजनेस साइकिल फिनमिनन जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल जो है वो एज्यूम करता है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हेरोड डोमर की बोथ की नन ऑफ दीज सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड दोनों में ही न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होता है इधर इट्स अ हेरोड या सोलो दोनों में से कोई भी हो जाए देर इज़ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्डी नाइन्थ क्वेश्चन इन एन इकोनोमी जीडी जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है इस फाउंड टू बी वन टेन ऑफ द करंट प्राइस अगर जीडीपी हैज रजिस्टर्ड एन एनअल ग्रोथ रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट इन द सेम ईयर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ़ द जीडीपी क्या होगा सो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या होगा रियल जी का रेट ऑफ ग्रोथ सो अगर जी डिफ्लेटर जो है वो वन है मतलब रेट ऑफ़ इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा इससे रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका निकल जाएगा सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो टेन परसेंट का हो जाएगा ठीक है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड बी टेन परसेंट और जी डी पी रजिस्टर्ड एज एन एनुअल ग्रोथ रेट इज फिफ्टीन परसेंट नॉमिनल जो हमें जी डी पी दे रखा है दैट इज़ फिफ्टीन परसेंट नॉमिनल जी डी पी में से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हटाओगे तो रियल जी डी पी निकल जाएगा सो रियल जी डी पी फिफ्टीन में से आप टेन परसेंट को सब ट्रैक विल गेट फाइव परसेंट विच इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज़ द नेचर ऑफ इक्वलिब्रियम इन आई एस एल एम मॉडल क्या वो स्टॉक इक्वलिब्रियम होता है फ़्लो इक्वलिब्रियम होता है ऑक्सीलरेट्री ऑक्सीटरी इक्वलिब्रियम होता है कि स्टॉक और फ्लो इक्वलिब्रियम होता है सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इसमें स्टॉक और फ्लो इक्वलिब्रियम दोनों होता है नेचर ऑफ इक्वलिब्रियम जो कि आई एस एल एम मॉडल के अंदर होता है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो इक्वलिब्रियम ठीक है आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो इसका पी डी एफ लेने के लिए यू कैन गेट इट इट माई देर इज़ अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम इकोनॉमिक्स बाय विश्वन अर्पिता वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स बाय विश्वन अर्पिता थैंक्स फॉर वॉचिंग बी बाय